सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक हियर, दिस इज एके गेमर और आज हम खेल रहे हैं जीटीए स्टोरी का मिशन 5। तो भाई लोग आज ये मिशन हमारा फ्रेंडिंग भाई का जा रहा है, पता नहीं क्या फोन पे बात कर रहा है, मेरे हिसाब से कोई मिशन की कोई बात कर रहा होगा। तो पहले हम गॉड मोड लगा लेते हैं क्योंकि शायद से मिशन टफ हो, तो एनेबल है गॉड मोड, वेपन ऑल वेपन्स एनेबल। तो चलो भाई चलते हैं। लोकेशन कहाँ पर जाना, हमें जाना है, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है हमें कहाँ पर जाना है, पर ये क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है यहाँ पर हमारे पास ही है, पता नहीं ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्या पता कोई मिशन ही हो। चलो इस पे चल के देखते हैं। तो चलो व्हीकल रिस्पॉन करते हैं और चलते हैं जल्दी से। कौन सी लें, मोटरसाइकिल्स 32 RR। तो चलो चलते हैं भाई और देखते हैं क्या मिशन है। तो ये वैसे पास ही था, हम उस लोकेशन के पास ही खड़े थे, तो ये शायद ये आंटी जी से मिलना है हमें। तो मेरे हिसाब से मुझे तो यही लगता है इस आंटी जी से मिलना है, हाँ इससे ही मिलना है। तो हमारा शायद मिशन, हमारा मिशन स्टार्ट हो चुका है, नहीं अभी तो नहीं, तो पता नहीं क्या फुसफुस आ रहे हैं। तो हमारा मिशन स्टार्ट हो गया है, हमें उस ब्लू टिक पे जाना है। तो आंटी जी को भी बिठाना है, अच्छा वेट फॉर टोनिया, टोनिया नाम है इसका। तो पता नहीं क्या फुसफुस आ रहे हैं, कोई बात कर रहे होंगे मिशन के लिए, हमें ये करना है ऐसा कुछ और करना है, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। अभी तो भाई चल के ही पता लगेगा कि मिशन क्या है। वैसे अभी तो ज़्यादातर इजी मिशन ही आ रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल मिशन आ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मतलब उनकी टफ होते जाएंगे, तो अभी तो ज़्यादा हार्ड नहीं है मिशन। तो भाई क्या कर रहे हैं, हम इससे चल रहे, हमें इस ट्रक के अंदर बैठना है, हाँ हमें इस ट्रक के अंदर बैठना है। तो चलो बैठ गए भाई, वेट फॉर टोनिया। अरे भाई बैठ जा आंटी जी, बैठ जाओ, घंटे लगा रही है डेड बैठने में, हमें देखा बैठ के कार में से उतरे, कूद के सीधा कार के अंदर, सॉरी ट्रक के अंदर। ये कहाँ से कार है, इस ट्रक को देख के मुझे कार्स की याद आ गई, मूवी कार्स की। तो अब हमें क्या जाना है, अब भी हमें ब्लू टिक पे जाना है, पता नहीं वहाँ पर क्या है, इसका कोई फ्रेंड वहाँ पर फंस गया है, तो उसकी कार को हमें मतलब जहाँ पर ये ट्रक खड़ा था वहाँ पर लाना है, तो यही बात कर रहे हैं। तो चलो उसे लेके आते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या करना है। भैया आराम से, ट्रक है कोई कार नहीं, जैसे स्लिप मार के चला रहे हो, आराम से फ्रैंकलिन भैया। यार वैसे ज्यादा दूर नहीं है, अभी हमारा कोई सिटी विटी में ज्यादा कोई काम नहीं है, जैसे बिल्डिंग्स के नियर कोई ऐसे ज्यादा लोकेशन ऐसे टाइप की नहीं आती। तो हमें नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि वहाँ पर हमें जाना है, तो हम जा रहे हैं भैया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आराम से जा रहे हैं, जाने दो, डिस्टर्ब मत करो। ओ भाई, अरे यार क्या पागल पागल है, फ्रैंकलिन भैया देख सकते हो रेड लाइट है, देखो हमने इसको ठोका तो वो भी हमको ठोका, अच्छा मर गया बेचारा, बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, बेचारा मर गया एक ट्रक के एक्सीडेंट से। कल न्यूज पेपर में न्यूज आएगी, एक ट्रक वाले ने ठोका एक कार को और उसको मर्डर कर दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमें सिटी के डॉन, तो हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। वैसे ये नहीं है, माइकल है, पर ये भी अब माइकल के साथ रह रह के अपने आप को डॉन ही समझने लग पड़ा है। तो सही है यार, उसका दोस्त बन चुका है, वो भी इसको पैसे देता है, पैसे क्या, अब तो दोस्त मतलब दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे के साथ मिशंस करते हैं। जैसे हम आपने देखा ही होगा, हमने पिछले मिशन में जिमी को बचाया था, तो उसके बाद से वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। तो अब इस कार को हमें पास जाना, क्या करना है अब, उठा ले भाई कार को, अब क्या करना है, अच्छा उठा लिया है, तो कह रहे हाँ इसका दोस्त ही है जो आंटी जी है, इसका दोस्त है इस कार के अंदर, तो उसको हम लेने आए हैं। तो अब कहाँ जाना है, अच्छा अब हमें येलो पॉइंट पे जाना है, तो चलो भाई चलते हैं अब जल्दी से, और दिखा रखा है कि धीरे धीरे चलाना है कि कार मतलब दूर ना हो जाए, निकल ना जाए, नहीं तो मिशन फेल हो जाएगा, मेरे हिसाब से मिशन फेल हो जाएगा। तो हमें इसको कार को गिराना नहीं है, आराम आराम से चलना है। अरे भैया हट जाओ, हट जाओ भैया, हॉर्न दे रहा हूँ यार, मेरे को पीछे करना पड़ेगा,
यार हटते नहीं है। देख तेरी कार है, तू पीछे कर भी सकता पर तू पीछे नहीं कर रहा है। दिमाग खराब है इन लोगों का। इनको लग रहा है ये मतलब कोई ऐसे ही चूतिया सा बंदा है, मतलब ऐसे कोई पागल सा बंदा है, इसीलिए पीछे कर ही नहीं रहा था। सोच रहा था कि लड़ने के लिए बाहर निकलूं पर इतनी देर में हमने निकाल लिया। भाई हमें पसंद नहीं लड़ाई वड़ाई, हमें लड़ाई वड़ाई अच्छी नहीं लगती। वैसे ये झूठ था, आपसे ये झूठ था गैंगस्टर, क्योंकि फ्रैंकलिन को एक गैंगस्टर बनना है तो हमें इसको झूठी बनाना पड़ेगा, क्योंकि गैंगस्टर तो सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी लड़ाई करना। वही नहीं होगा तो ये गैंगस्टर किस एंगल से होगा। तो यार अब आराम से चलते हैं, हट जाओ भैया हमारे। यार ये बड़ी गलत बात है, हम उनको ठोक रहे हैं तो वो भी हमको ठोक रहे हैं, सही बात नहीं है यार। हम मिशन पे हैं और हमारी कार हमारे ट्रक को ठोक रहे हो बार बार। भैया आराम से, तो चलो पहुंच तो गए हैं सही सलामत अभी तक, और अभी भी कोई भरोसा नहीं लॉस सैंटोस के लोगों का। वो देखो वो ठोकने आ गया, ये देखो ये ठोकेगा। अरे भाई सॉरी बोल दिया, सॉरी अब नहीं कुछ करूँगा, सॉरी रुक जा ट्रक रख के तो फिर तेरे को बताता हूँ। साला अभी मेरे हाथ में बहुत बड़ा मिशन है, इसीलिए कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसीलिए सर पर चल रहे हैं। चल कोई दिक्कत नहीं भाई, ये मारने आया, रुक रुक तेरे को अभी बताता हूँ, एक मिनट रुक। मिशन फेल ही क्यों ना हो जाए आज, आज तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा। मार फ्रैंकलिन, मार साले को, मार मार। मेरा मिशन फेल करवाने के चक्कर में था। कार देखो खुद की, इससे अच्छा तो मेरा ट्रक ही है, फर्क सिर्फ इतना उसकी कार है हमारे ट्रक है। लिखा हुआ है आ रहा है कि कार के अंदर बैठ जाओ नहीं तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे हम। तुमने कहा ठीक है भैया, तुम्हारा मिशन मत फेल करना। तो अब हमें उस येलो पॉइंट पे जाना है, येलो टिक पे। तो मेरे हिसाब से शायद अब मिशन कंप्लीट हो ही चुका है, ज़्यादा बड़ा मिशन नहीं था ये। तो अब बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या ये और आंटी जी बातें कर रहे हैं कोई। तो हाँ मिशन कंप्लीट हो चुका है और ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये GTA की सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, और तब तक के लिए बाय बाय।